जो पाथ है यहाँ पर हो सकता है कि हमारा कुछ प्रोडक्ट क्या हो जाए, गिर जाए, ज़ाया हो जाए। एक दूसरा, हम कहते हैं कि इसको जो हम यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, स्पेचुला वगैरह, स्पून वगैरह, कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो जब हम इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो कहते हैं कि कुछ पार्टिकल्स उस स्पून के साथ जो कि आपने यूज़ कर लिया है या जिसे हम स्पेचुला भी कह सकते हैं, उसके साथ कुछ पार्टिकल्स अटैच रह सकते हैं। तीसरा, हम कहते हैं कि जब हम इस एनएच3 को यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ से रिमूव करने के बाद हमारे पास इस बीकर के वॉल्स के साथ, इसके बॉटम के साथ कुछ एनएच3 के पार्टिकल्स अटैच रह सकते हैं। अब जो एनएच3 के पार्टिकल्स इस बीकर के साथ अटैच रह गए हैं तो वो हमारा यूज़फुल मटेरियल नहीं हुआ, बल्कि वो हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ज़ाया हो गया है। तो जब वो ज़ाया हो गया है तो ज़ाया होने की वजह से हमारे पास एनएच3 की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम। क्यों? क्योंकि हम वो उस अमाउंट को काउंट करेंगे जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को देखें, अगर हम इसके बेसिस पर एनएच3 को कैलकुलेट करना चाहें तो इसमें कोई भी किस्म की ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम सके एनएच3 के अमाउंट क्या हो सके, ज़ाया हो सके। तो लिहाजा ये वैल्यू जो इक्वेशन के बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे, इससे आपके पास क्या आएगी, हमेशा ज़्यादा आएगी। और इस ज़ाया होने की वजह से, चाहे वो यहाँ पर ज़ाया हो, स्पून के साथ ज़ाया हो, या बीकर के साथ ज़ाया हो, ज़ाया होने की वजह से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरी रीज़न हमारे पास जो है, डेट इज़ साइड रिएक्शन या पैरेलल रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक जनरल रिएक्शन लिख लेता हूँ, ए प्लस बी इस कन्वर्टेड इनटू सी प्लस डी। अब साइड रिएक्शन क्या होगा या पैरेलल रिएक्शन होगा कि ये जो हमारा रिक्वायर्ड रिएक्शन है, इसके अलावा कोई दूसरा रिएक्शन भी साथ में हो जाए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ए प्लस एक्स इस कन्वर्टेड इनटू ई, ये मैंने एक जनरल रिएक्शन लिख लिया इसके साथ। अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बी टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सी एंड 1 मोल ऑफ डी। लेकिन यहाँ पर अब इस रिएक्शन को हमने काउंट नहीं किया है एक्स। अगर हम एक्सपेरिमेंटली इसको परफॉर्म करेंगे तो उसमें फिर ये वाला भी काउंट होगा, जबकि थ्योरेटिकल इस इक्वेशन में हम इसको काउंट नहीं कर रहे। अब जब ये रिएक्शन होगा तो ए का कुछ अमाउंट एक्स के साथ क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से ए की वैल्यू कम हो जाएगी। और जब ए की वैल्यू कम हो जाएगी तो हम कहते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू अल्टरनेट क्या हो जाएगी, कम। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट डिपेंड करेगी रिएक्टेंट्स पर। अब ये एक्स कहाँ से आएगा? फॉर एग्जांपल, इसको एक्सपेरिमेंटली करने के लिए हमने कहा कि यहाँ पर ए मौजूद है, यहाँ पर बी है, और नेक्स्ट आपके पास सी एंड डी बनेगा। अब हम कहते हैं जो हम यहाँ पर ए और बी यूज़ कर रहे थे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस बीकर में कोई इम्प्योरिटी मौजूद है एक्स, या यहाँ पर कोई इम्प्योरिटी मौजूद है एक्स। अब वो इम्प्योरिटी है हमें उसका पता नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अननोन है, तो जो हम इनको एक दूसरे के साथ मिक्सअप करने के लिए इस बीकर में यूज़ करेंगे तो ए बी के साथ रिएक्शन करने के साथ साथ एक्स के साथ भी रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ ए की वैल्यू में या अमाउंट में कमी आएगी, और कमी होने की वजह से साथ में ये वाला रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से आपका जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है सी एंड डी, उसकी अमाउंट में क्या आएगी, कमी आएगी। तो एक्चुअल यील्ड की वैल्यू आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड आपके पास है रिवर्सिबल रिएक्शन, जिस तरह भी हमने पीछे एग्जांपल किया कि N2+3H2 इज कन्वर्टेड इनटू 2NH3। अब ये रिएक्शन जब हम इक्वेशन के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमने इसको कंसीडर किया है इरिवर्सिबल, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, जबकि एक्चुअली जो हम इसी रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल, जबकि ऊपर हमने इसको काउंट किया है इरिवर्सिबल। अब जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करेंगे तो N2 और H2 कम्प्लीटली इसमें कन्वर्ट नहीं होंगे, कुछ इस फॉर्म में रहेंगे, कुछ इस फॉर्म में रहेंगे, जिसको हम कहते हैं कि जब ये कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं होगा तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास फिर क्या होगी, कम होगी। और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू कम आएगी तो इट मींस के आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि वहाँ पर किसी भी किस्म का ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, जबकि एक्चुअल यील्ड की वैल्यू आपके पास कम आएगी, क्योंकि वो उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिवर्सिबल।
लास्ट वन आपके पास है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड के लिए सिंपल फार्मूला है एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज का मतलब वही होता है आउट ऑफ 100 जो हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट इट्स परसेंटेज। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। हमारे पास एग्जांपल है कार्बन प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू CO2। यूजिंग 10 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस 25 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैलकुलेट द परसेंटेज। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखें कि एक्चुअल यील्ड की वैल्यू हमेशा हमारे पास न्यूमेरिकल में गिवन होगी। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करना होता है। अब न्यूमेरिकल में हम एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म नहीं करते, लिहाजा उसकी वैल्यू एक्चुअल यील्ड की वैल्यू हमेशा आपके पास गिवन होगी, जबकि थ्योरेटिकली हम खुद कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें 25 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है, इट मीन्स कि ये आपके पास एक्चुअल यील्ड हो जाएगा, जबकि हमने क्या कैलकुलेट करना है परसेंटेज यील्ड। लेकिन हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें किस चीज़ की वैल्यू की ज़रूरत होगी, थ्योरेटिकल यील्ड की। कन्वर्ट 10 ग्राम इनटू मोल्स, तो उसके लिए हमें क्या करना है, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इस 10 ग्राम जो कि अमाउंट गिवन है इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला मास एंड मोलर मास। हमने कन्वर्ट किया इक्वल टू 0.83 मोल। अब हमने मोल रेशो मेथड करना है, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 1:1 फ्रॉम द इक्वेशन, दिस इज फ्रॉम द गिवन एंड एक्स इज वी गोना फाइंड आउट। एक्स इज इक्वल 0.83 मोल्स आया। अब मोल्स में है तो इसको दोबारा ग्राम में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग मास फार्मूला, तो ये आपके पास आ जाए 36.52 ग्राम। अब ये जो है ये थ्योरेटिकल वैल्यू हो जाएगी, ये जो आपके पास गिवन थी ये एक्चुअल हो जाएगी। अब परसेंटेज यील्ड वाले फार्मूला में सिंपल वैल्यू पुट करनी है, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाई थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज, ये आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपके पास हो जाएगा परसेंटेज यील्ड, जो कि आपके पास क्या है 68.45%। ये था आपके पास एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज ऑफ यील्ड। आपके पास यहाँ तक चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीट हो चुका है। आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं या एक्सरसाइज जितनी भी हैं उसको बेशक अगर आपने रिटन फॉर्म में सॉल्व नहीं करनी है तो इसको एक नज़र देख ले अपने साथ, सॉल्व कर लिया तो और भी अच्छी बात है फिर भी, लेकिन आपको इतना श्योरिटी हो कि हाँ आपको आ रहा है तो दैट्स गुड। अगर नहीं आ रहा है कोई किसी क्वेश्चन वगैरह में मसला है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इनबॉक्स में वो क्वेश्चन मैसेज करके। थैंक यू सो मच। इसके बाद आपके पास जो इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड लास्ट जो बिल्कुल सैंपल है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए सैंपल हो जाएगा। इसी के साथ लास्ट आपका जो सैंपल है जो कि एज एन एग्जांपल है तो वो आपने सॉल्व करके एज एन असाइनमेंट सबमिट कराना है। थैंक यू सो मच।